इस न्यूज बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल NH31 नवगछिया भागलपुर। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ है। हर तरह की सुविधाओं के साथ नवगछिया का एक सर्वोत्तम विद्यालय। मिथिला इंटरप्राइजेज थाना रोड नवगछिया की ओर से वाशांतिक पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टेनलेस स्टील से संबंधित घरेलू सभी कार्य सुयोग कारीगर द्वारा करवाने हेतु संपर्क जरूर करें। मोबाइल नंबर 9031-6857-42-84-10-71-13। नमस्ते, मैं धनंजय कुमार उर्फ दमदम यादव, ग्राम पंचायत गोसाई गांव के मुखिया, मुखिया संघ अध्यक्ष, तमाम गोपालपुर विधानसभा के दयामयी जनता को होली की शुभकामनाएं। और आज हम लोग खुशी का दिन मनाते हैं क्योंकि आज बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है। और इसी के साथ सबों को मेरा प्रणाम। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं डॉक्टर रजनीकांत देव, होली की शुभकामनाएं समस्त भारतवासियों को मेरे तरफ से। आशा करता हूं कि होली सौहार्दपूर्ण रूप से मने, आपस में मिलजुल के रहें। आजकल और होली आप सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाएं, क्योंकि इस बार जो है कोरोना वायरस भी पूरे विश्व के सामने यह समस्या है। और कोरोना वायरस को देखते हुए और भी सतर्कता की आवश्यकता है। इस कारण से आप जो भी होली मनाएं, सावधानी पूर्वक सौहार्दपूर्ण वातावरण में और अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए सभी इसको शांतिपूर्ण से मनाएं और स्कूल परिवार की ओर से सभी को हार्दिक बधाई। सलीम वहाब, प्रिंसिपल ऑफ सावित्री पब्लिक स्कूल, वांट टू विश ईच एंड एवरीबॉडी हैप्पी होली फ्रॉम द डीपेस्ट कोर ऑफ माय हार्ट। एंड दिस फेस्टिवल इज अ कलरफुल फेस्टिवल एंड होली दे शुड आल्सो रिमेंबर दिस दैट द एग्जाम्स आर नियरर एंड दे विल हैव टू प्रिपेयर देमसेल्व्स। थैंक यू। मैं डीपी सिंह, प्रशासक बाल भारती विद्यालय। होली के शुभ अवसर पर नवगछिया अनुमंडल के तमाम वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस रंग के त्योहार को आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ मनाने की अपील करता हूं। हैप्पी होली। आई नवनीत सिंह, प्रिंसिपल बाल भारती विद्यालय नवगछिया, विशेस यू ऑल हैप्पी होली। मे दिस होली ब्रिंग्स हैप्पीनेस, हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। थैंक यू। नवगछिया, होली में चली गोली, महादलित युवक घायल, तनाव और दहशत कायम। मौके पर पहुंची पुलिस, समझा बुझाकर किया शांत। होली के मौके पर पुलिस जिला नवगछिया के तेतरी गांव में फैले दो गुटों में तनाव के बाद शाम लगभग 5 बजे गोलीबारी की घटना में मिथिलेश दास नामक 20 वर्षीय युवक घायल हो गया। वही मुखिया रविन्द्र दास के अनुसार कुछ दबंग लोगों ने 4 मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त भी कर दिया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद नवगछिया पुलिस, SDPO और SP घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं मुखिया रविंद्र दास ने बताया कि 2 दिन पहले अश्लील गाने को बजाने पर रोक लगाने को लेकर मारपीट हुई थी, जिसके बाद नवगछिया थाने में आवेदन भी दिया गया था। उसके बाद होली के दिन काफी संख्या में लोग एकजुट होकर काफी देर तक गाली गलौज करने के बाद गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें जमुनिया निवासी राधे दास का 20 वर्षीय पुत्र मिथिलेश दास घायल हो गया। वहीं जानकारी मिलने के बाद नवगछिया पुलिस द्वारा लोगों को समझा बुझाकर शांत करा दिया गया। दिन भर लोग होली के रंग में सराबोर दिखे। बेटी के
नवगछिया धूमधाम से मनी होली, रंगों में सराबोर हुए लोग। सोमवार रात्रि होलिका दहन के बाद मंगलवार सुबह से ही रंगों की फुहार के बीच होली की खुमार में हर कोई डूबा हुआ नजर आया। नवगछिया पुलिस जिले भर में धूमधाम से होली मनाई गई। इस शहर में हुड़दंगियों का भी कई जगह पर जुलूस निकला। जगह जगह पर लोग डीजे सिस्टम पर युवा जमकर थिरक रहे थे। गीले सिकवे बुलाकर लोग एक दूसरे के गले लगे। पूरा शहर रंगों से सराबोर रहा। गली गली घर घर बच्चों ने खूब गुलाल उड़ाए। जो भी दिखा उसे रंगों से पोत दिया। मंगलवार की दोपहर तक शहर में रंगों की बौछार होती रही। इस दौरान शहर में संवेदनशील और अति संवेदनशील जगहों पर कड़ी सुरक्षा रही। ऐसी जगहों पर शरारती तत्वों पर नजर रखने के लिए वीडियोग्राफी भी कराई गई। नवगछिया शहर में युवा वर्ग व कई सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों के द्वारा रंगों की फुहार और उड़ते हुए गुलाल से पूरे माहौल को रंगीन कर दिया। कई जगहों पर बच्चे घोड़े पर सवार होकर शहर में निकले। वहीं महिलाओं और बच्चों ने भी जमकर रंगों की बौछार की और गुलाल उड़ाया। जिले के अन्य स्थानों पर भी होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। नवगछिया अनुमंडल में धूमधाम से मना होली का त्योहार। नवगछिया SDM, SP, नगर पंचायत अध्यक्ष सबों ने दी होली की शुभकामनाएं। नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत नवगछिया अनुमंडल के सभी स्थानों पर मंगलवार को धूमधाम से रंगोत्सव होली मनाया गया। इस बाबत कई स्थानों पर लोगों के द्वारा होली गायन का कार्यक्रम भी किया गया। नवगछिया अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश कुमार, SP निधि रानी, SDPO प्रवेंद्र भारती, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रीति कुमारी सहित कई बुद्धिजीवी लोगों ने अनुमंडल वासियों को होली की शुभकामनाएं दी है। वहीं मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ W यादव ने बताया कि होली रंगों का त्योहार है। रंग का कार्य ही होता है कि वह किसी भी दृश्य को बदल देता है। इसलिए हम सबों को होली में एक दूसरे से गिले शिकवे मिटाकर गले मिलकर इसे खुशहाली के साथ मनाना चाहिए। किसी भी तरह का मन में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। वहीं नवगछिया की सामाजिक संस्था बाबा गणिनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष पंकज कुमार भारती ने कहा कि हमें सुरक्षित होकर होली खेलनी चाहिए। पर्व त्योहार खुशियों का होता है। किसी भी तरह की ऐसी गलती ना करना चाहिए जिससे बाद में पश्चाताप हो। वहीं नवगछिया की सामाजिक संस्था क्लीन नवगछिया ग्रीन नवगछिया के मीडिया प्रभारी अशोक केडिया ने कहा कि इस बार होली में हुड़दंग कम है। अन्य वर्ष के अपेक्षा इस बार लोग अपने परिवार के साथ होली मना रहे हैं। बाहर निकलकर सड़कों पर हुड़दंग करते नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं यह प्रशासनिक शक्ति का जोर है जिसके आगे मनचलों और हुड़दंगियों की कुछ नहीं चल पाई। वहीं होली को लेकर नवगछिया के नगरा में भी युवाओं के द्वारा जमकर होली खेली गई। एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर सबों ने स्वादिष्ट मालपुए खाए और एक दूसरे को खिलाया। नवगछिया गोपालपुर प्रखंड के गोसाई गांव में धूमधाम से मना रंगोत्सव। एक दूसरे को रंग लगा हर्षित हुए लोग। नवगछिया अनुमंडल के गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत गोसाई गांव में रंगोत्सव पर सोमवार को धूमधाम से होली खेली गई। रंगोत्सव के पूर्व धुरखेली खेली गई। वहीं गांव के एक दर्जन से अधिक बच्चे झुंड बनाकर आपस में रंगोत्सव का पर्व मनाया। एक दूसरे को रंग अबीर लगाए। मौके पर गोसाई गांव निवासी शिक्षक अमरनाथ झा ने कहा कि इस पावन त्योहार में हमें आपसी मिलन रखना चाहिए। हम दूर बैठे लोगों को भी सादर आमंत्रित करते हैं कि वे गांव आए और गांव में आकर होली का आनंद लें। गांव की स्थिति काफ़ी बदल चुकी है। यहां के लोगों में भी काफ़ी जागरूकता आ चुकी है। वहीं मौके पर गोसाई गांव के सोमनाथ राहुल ने कहा कि इस वर्ष होली पर थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। होली रंगों का त्यौहार है। पूरे विश्व सहित भारत में कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है, जिसके लिए हम सबों को रंगोत्सव में सावधानी बरतनी चाहिए। वहीं मौके पर गोसाई गांव के जितेंद्र झा ने कहा कि होली में उन्हें गांव से बहुत ही ज़्यादा लगाव है। वो कहीं भी रहते हैं, होली पर मनाने गांव जरूर आते हैं।
उन्होंने कहा कि वो जब छोटे थे और गांव के बूढ़े बुजुर्ग बैठकर होली गाते थे तो वो पहुंच ताली बजाकर उसमें शामिल हो जाते थे। आज वह माहौल नहीं है, लेकिन वो आज भी उस पल को याद कर वो काफी भाव विभल हो जाते हैं। बचपन के समय देखा हुआ होली आज नहीं है, लेकिन वह हमेशा याद रहेगा। नवगछिया के लोग कोरोना वायरस के प्रकोप से जागरूक, इसलिए मटन चिकन पर कम रहा जोर। मनीष रंजन चौधरी। कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए नवगछिया में चिकन मटन की दुकानें इस बार जमकर नहीं चल पाई। कई मांसाहारी भोजन पसंद करने वाले लोगों ने भी कोरोना वायरस के डर से और फैले प्रकोप को देखते हुए चिकन मटन खाने से परहेज किया, जिसके कारण कई स्थानों पर जमकर खरीदारी नहीं हो पाई। लोगों ने अपने को सुरक्षित कर होली मनाया, यह कहना था नवगछिया के सिंधिया मकनपुर निवासी युवा मनीष रंजन चौधरी का। उन्होंने कहा कि इस बार होली में सभी लोग एक दूसरे से गिले शिकवे भुलाकर होली में गले मिलकर होली मना रहे हैं। इस बार मांस मछली का बहुत कम ही उपयोग हो रहा है। लोगों में कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का डर व्याप्त है, लोग कोरोना वायरस से डरे हुए हैं, यह अच्छी बात है। जागरूकता होने से हमारे नवगछिया का भी बुद्धिजीवी वर्ग में शामिल होना एक उदाहरण है। गोसाईगांव में भी चढ़ा फागुन का जोश, यदुवंशी क्लब के सदस्यों ने जमकर लगाई ठुमके। वासांतिक पर्व होली पर गोसाईगांव के यदुवंशी क्लब के सदस्य ने भी डीजे बजाकर जमकर लुत्फ उठाया। मौके पर सत्यम यादव, संकेत यादव, रोशन यादव सहित कई युवा जमकर थिरके। मौके पर सत्यम यादव ने बताया कि होली साल भर में एक ऐसा त्योहार आता है जिसमें हम सभी युवा मिलकर एक साथ आनंद मनाते हैं। आज समाज में नशा एक सबसे बड़ी समस्या है, इस नशा को दूर करने और खुद में उमाद भर होली के रंगों से शराब बोर होकर आनंद मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष डीजे लगाकर हम लोग जमकर आनंद उठाते हैं। वही मौके पर यदुवंशी क्लब के सहित आसपास के कई युवा उपस्थित थे, सभी जमकर ठुमका लगा रहे थे।